उत्तर प्रदेश से सांसद डिंपल यादव जी हमारे साथ है। डिंपल जी, समाजवादी पार्टी ने आज राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही आरोप लगाया कि भेदभाव फंड एलोकेशन जो रिलीज किए हैं उन पर देर कर रही है केंद्र सरकार। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि पक्षपात हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, पक्षपात भी हो रहा है और देरी भी हो रही है फंड रिलीज करने में, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो एक मॉडल के रूप में अब उभर रहा है पूरे भारत में, जहाँ पे हमारा एक्सप्रेस वे आ रहा है, जहाँ पे हमारी मेट्रोज आ रही है, जहाँ पे हम लोग ऐसी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं कि हम मैक्सिमम गरीब लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हम महिलाओं और बच्चों को लेके लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, कुपोषण की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसमें मैं समझती हूँ हमें फंड्स की बहुत ज़रूरत है एंड इस तरह का जो बुकलेट है ये हमने सभी अपने सांसदों को उत्तर प्रदेश को दिया है, जिससे कि और हमने रिक्वेस्ट की है हमारे सरकार से कि जितनी जल्दी आप फंड रिलीज करेंगे उतना ही हमारे प्रदेश के लिए बेहतर होगा। आपके संसदीय क्षेत्र में भी कुछ ऐसे काम है जो रुके हुए हैं फंड की वजह से? नहीं, मेरे संसदीय क्षेत्र में अभी तो ऐसे नहीं रुके हैं। एक हमारे सैनिक स्कूल की डिमांड है जिसमें 5% सेंट्रल गवर्नमेंट को देने हैं, तो दैट्स ऑल। प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश है। जाहिर तौर पर डिंपल यादव ने ये आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की सरकार है राज्य सरकार में और केंद्र सरकार लापरवाही बरत रही है और जो फंड्स एलोकेट किए गए हैं, चाहे वो शिक्षा के मद में हो, सड़क के मद में, तमाम मद में, वो देर की जा रही है। तमाम चिट्ठी लिखने के बावजूद भी प्रधानमंत्री की तरफ से इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया गया। समय दिल्ली से कैमरामैन देव मेरा के साथ अनामिका रत्नाकर।